हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है जिससे आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं, न केवल आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो निकलते हैं बल्कि यहां से लेक्चर की भी वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एक है कि चीन की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया, माओ ने, लेनिन ने, मार्क्स ने या स्टालिन ने। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, माओ। माओ को फ्रेंड्स हम माओ सुतुंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम माओ जेडांग के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग माओ के नाम से भी जानते हैं। तो चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उस क्रांति का नेतृत्व जो है वो माओ सुतुंग या माओ जेडांग ने किया था जिसको कि हम माओ के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो है फ्रेंड्स कि कौन माओ सुतुंग की प्रसिद्ध पुस्तक है, ऑन लिबर्टी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट, ऑन कंट्राडिक्शन, सोशल जस्टिस। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑन कंट्राडिक्शन। ऑन कंट्राडिक्शन फ्रेंड्स ये माओ सुतुंग की बहुत ही फेमस किताब है। ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट ये डेविड ह्यूम की है, सोशल जस्टिस जो है वो डेविड मिलर की पुस्तक है, जबकि ऑन कंट्राडिक्शन किसकी है, माओ सुतुंग की है। तो क्वेश्चन नंबर दो का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीन है फ्रेंड्स, राजनीतिक शक्ति जो है बंदूक की नली से उत्पन्न होती है यह प्रसिद्ध कथन किसका है, माओ सुतुंग का, कैटलिन का, मैकियावेली का या लेनिन का। तो फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही पूछता है, ये माओ सुतुंग की पुस्तक है, ये शक्ति में विश्वास करता था और कहता था कि इसकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि राजनीतिक जो शक्ति होती है वो बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। इसका मतलब कि जो राजनीति सत्ता जो है वो शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है और शक्ति के द्वारा ही उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसका स्टेटमेंट है, माओ सुतुंग का है। क्वेश्चन नंबर तीन का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार है फ्रेंड्स कि माओ सुतुंग का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में या 1836 ईस्वी में। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1893 ईस्वी में। माओ सुतुंग का जन्म फ्रेंड्स चीन के ह्यूनान प्रांत के साओआन ग्राम में 1893 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर चार का बी, 1893 सही होगा। क्वेश्चन नंबर पांच है फ्रेंड्स, जनयुद्ध का सिद्धांत थ्योरी ऑफ पीपल्स वार किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने, माओ ने, मार्क्स ने या लेनिन ने। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, माओ या माओ सुतुंग ने। जनयुद्ध की संकल्पना जो है फ्रेंड्स ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी दर्शन में जो है ये माओ की एक नई संकल्पना है। जनयुद्ध का सिद्धांत ये माओ का है और माओ ने संघर्ष में सेना और हथियारों से भी अधिक महत्व जो है वो जनता को दिया। उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, आगे आएगा भी, कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व होता है पर वे निर्णायक तत्व नहीं होते हैं, निर्णय जो है वो मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चीनी साम्यवादी क्रांति के समय माओ ने यह स्पष्ट कर दिया था फ्रेंड्स कि जब युद्ध जो है वो विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध एक साथ लड़ा जा रहा हो तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनता के द्वारा एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी युद्ध के रूप में लड़ा जाए, न कि उसकी ओर से एक संगठित सेना के द्वारा। तो इस प्रकार जनयुद्ध की संकल्पना में माओ ने जो है जनता को सर्वोच्च स्थान दिया था फ्रेंड्स। तो जनयुद्ध का सिद्धांत किसने दिया था, वो माओ ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर पांच का भी माओ सही होगा। क्वेश्चन नंबर छह है फ्रेंड्स कि माओ ने किस वर्ग को क्रांति का माध्यम बनाया, कृषक वर्ग को, मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को या पूंजीपति वर्ग को। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, कृषक वर्ग को। माओ से पहले जो साम्यवादी विचारक चाहे कार्ल मार्क्स रहे हो, लेनिन रहे हो, एंजेल्स रहे हो, इन लोगों ने जो है श्रमिकों के ऊपर जो है विश्वास किया था, लेकिन माओ ने चीनी परिस्थितियों के अनुसार जो है क्रांति का माध्यम जो है वो कृषक वर्ग को बनाया था।
क्योंकि फ्रेंड्स उस समय जो है चीन में जो है वो कृषकों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उनका शोषण होता था, कृषकों में जो है अशिक्षा थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, नौकर साहों का जो है अत्याचार से वो बुरी तरह त्रस्त थे, जमींदारों ने भूमि पर अपना अधिकार कर रखा था, धनिक सेठ जो है वो कृषकों को कर्जदार बनाकर उनका शोषण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में माओ को ये लगा कृषकों को जो है क्रांति का माध्यम बनाया जाए तो सफलता मिलेगी, और उसने इसको करके दिखाया। तो माओ ने अपने क्रांति जो बनाया, उसका जो क्रांति का सिद्धांत था, उस क्रांति का जो सफल बनाया था, उस क्रांति में किस वर्ग को माध्यम बनाया था, तो वो कृषक वर्ग को माध्यम बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए कृषक वर्ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि नवीन लोकतंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, अब्राहम लिंकन ने, ग्राशमी ने, स्टालिन ने, माओ त्सेतुंग ने। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी माओ त्सेतुंग ने। फ्रेंड्स नवीन लोकतंत्र की संकल्पना जो है ये माओ त्सेतुंग का एक नया विचार था। 1940 ईस्वी में प्रकाशित इसकी एक पुस्तक थी न्यू डेमोक्रेसी। न्यू डेमोक्रेसी का हिंदी होता है नवीन लोकतंत्र। उसमें जो है इसने जो है नवीन लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। माओ की मान्यता थी फ्रेंड्स कि साम्यवादी क्रांति के तुरंत पश्चात जो है वो साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना जो है वो संभव नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए जो है एक पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा, और इसके लिए समाज को जो है वो एक संक्रमणकालीन व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा, और इसी संक्रमणकालीन जो व्यवस्था थी उसी को माओ ने नवीन लोकतंत्र की संज्ञा दी। नवीन लोकतंत्र जो व्यवस्था उसने बताया, यह जो है पूंजीवाद और समाजवादी व्यवस्था का मिला जुला रूप होगा, जिसमें अनेक लोकतांत्रिक वर्ग जो है वो मिलजुल करके कार्य करेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, माओ जो है वो साम्यवाद का उग्र समर्थक होते हुए भी पूंजीवाद को जो है वो अपने नवीन लोकतंत्र में स्थान देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसका विचार था कि चीन जो है वो औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए पूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। तो शुरुआत में वो क्या कहता है कि शुरू शुरू में जो होगा वो पूंजीवाद को व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे, ताकि जो समाज में जो औद्योगिक दृष्टि से चीन पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़ जाए, और इस तरह से करते हुए पूंजीपति को प्रोत्साहन देते हुए साम्यवाद के न्यूनतम कार्यक्रम को चलाया जाएगा, और इसका लक्ष्य धीरे धीरे अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम द्वारा भविष्य में एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना होगा। तो साम्यवादियों द्वारा सत्ता प्राप्त करने से लेकर के पूर्ण रूप से साम्यवाद की स्थापना करने तक बीच का जो समय होगा वो समय जो है वो संक्रमण काल का समय होगा। वो समय जो है वो साम्यवाद और पूंजीवाद का मिला जुला समय होगा। इसी समय को वो कहता है कि ये नवीन लोकतंत्र होगा, नवीन लोकतंत्र जिसमें पूंजीपति और समाजवादी व्यवस्था का जो है समाज में मिला जुला रूप होगा। तो इसी को जो है माओ नवीन लोकतंत्र की संज्ञा देता है, और ये जो है मार्क्स और लेनिन से एक अलग संकल्पना जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो नवीन लोकतंत्र की संकल्पना किसकी है? माओ त्सेतुंग की है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण है पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप, प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी पूंजीवाद और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप। अभी आपको चर्चा हुआ कि नवीन लोकतंत्र जो है एक संक्रमणकालीन व्यवस्था होगी, एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रित रूप हमको दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पूंजीवाद और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने दिया, माओ ने दिया, लेनिन दिया, हो ची मिन्ह ने दिया। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी माओ। माओ ने फ्रेंड्स अपनी पुस्तक जो है वो आन कंट्राडिक्शन के अंतर्गत जो है वो द्वंद्वात्मक पद्धति की जो है एक नई व्याख्या उसने प्रस्तुत की थी। उसका कहना था कि सही नीति का निर्माण जो है वो हमेशा गलत नीति के साथ संघर्ष करके होता है, इसलिए विरोध और संघर्ष जो है वो समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। मार्क्स और एंजेल्स का यह मानना था फ्रेंड्स कि सर्वहारा वर्ग का जब अधिनायक तंत्र की अवस्था आएगी तो यह अवस्था बहुत थोड़े समय के लिए होगी, इसके बाद जो है वो साम्यवादी व्यवस्था आएगी और राज्य और वर्ग जो है लुप्त हो जाएगा। जब राज समाज में वर्ग और राज्य रहेंगे नहीं तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। लेकिन माओ का ऐसा मानना नहीं था। माओ ने यह तर्क दिया कि जब सर्वहारा वर्ग सत्ता संभाल लेगा तब भी अंतर विरोध का नियम सक्रिय रहेगा, जिस पर मनुष्यों का कोई वश नहीं रहेगा। समाजवाद के दौर में भी यह वर्ग संघर्ष रहेगा, इसका अंत नहीं होगा, केवल उसका रूप बदल जाएगा। माओ का मानना था फ्रेंड्स कि आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद भी
समाजवादी व्यवस्था अपने आप में सुदृढ़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विचारात्मक मोर्चे पर भी समाजवाद को बढ़ावा देना जरूरी होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा। इस तरह से माओ जो है वो क्रांति को एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया मानते हैं जो कि निरंतर चलती रहती है। उनका मानना था कि समाज में क्रांतियों का एक दौर चलेगा जिससे लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सके। उन्होंने कई तरह के क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी आंदोलन, योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, जैसे पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम चलाया, सैकड़ों फूल को खिलने दो की योजना चलाई, लंबी छलांग का आंदोलन चलाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए। तो इस तरह से बहुत सी योजनाएं वो चलाई, क्योंकि उनका विचार था कि अंतर विरोध जो है, वो वैचारिक द्वंद्व जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे और क्रांति के द्वारा ही इसका समाधान होगा। तो ये क्रांति जो है वो निरंतर चलती रहेगी, समाप्त कभी नहीं होगी। तो सतत क्रांति का सिद्धांत किसका है? ये माओ त्सेतुंग का है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, चीन एक सोया हुआ अजगर है, उसे सोने दो, वरना यदि वह जाग गया तो संसार को पछताना पड़ेगा। यह कथन चीन के बारे में किसका है? वुड्रो विल्सन का, चर्चिल का, हिटलर का या नेपोलियन का? तो फ्रेंड्स देखिए, यह बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और यह नेपोलियन का है। चीन की अगाध शक्ति के बारे में नेपोलियन की यह टिप्पणी की गई है कि चीन जो है एक सोया हुआ अजगर है, उसको छेड़छाड़ मत करो, उसको सोने दो, और ये जाग गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी नेपोलियन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक तत्व नहीं है, निर्णय जो है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। यह कथन किसका है? मार्क्स का, माओ त्सेतुंग का, स्टालिन का या नेपोलियन का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, माओ त्सेतुंग। आप समझ गए होंगे क्योंकि ऊपर जब जनयुद्ध की संकल्पना हम आपको बता रहे थे तो उसमें यह स्टेटमेंट की चर्चा हुई थी। यह माओ का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक तत्व नहीं होते हैं, निर्णय हमेशा मनुष्यों के द्वारा होता है, उनके अदम्य साहस और शक्ति के द्वारा होता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। यह माओ त्सेतुंग का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, चीनी परिस्थितियों के अनुसार माओ त्सेतुंग ने मार्क्स के विचारों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिवर्तन किए? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के शासन के क्षेत्र में, साम्यवादी व्यवस्था के में वर्ग संघर्ष के क्षेत्र में, क्रांति में श्रमिक वर्ग की भूमिका के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी क्षेत्र में? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। फ्रेंड्स माओ त्सेतुंग जो है वो साम्यवाद या मार्क्सवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन जिस तरह से लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों का रूस की परिस्थितियों में परिवर्तन किया, उसी तरह से चीन की परिस्थितियों को देखते हुए मार्क्स के विचारों में माओ त्सेतुंग ने भी बहुत से परिवर्तन किए। बहुत से क्षेत्र थे जिसमें कि आपको मार्क्स के विचारों में और माओ त्सेतुंग के विचारों में अंतर दिखाई देगा, क्योंकि माओ त्सेतुंग ने उसे जो है चीन की परिस्थितियों के अनुसार अपने ढंग से उसकी व्याख्या की। जैसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के शासन के क्षेत्र में मार्क्स मानता था कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही थोड़े दिनों की बात होगी, उसके बाद शीघ्र ही राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन माओ मानता था कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक लंबे और अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। तो इस तरह से मार्क्सवादी सिद्धांतों में माओ त्सेतुंग ने चीन की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किए। तो पहला परिवर्तन उसने किया साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष के क्षेत्र में। तो मार्क्स मानता था फ्रेंड्स कि साम्यवाद की स्थापना हो जाने के बाद वर्ग संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साम्यवाद जब आएगा तो न समाज में कोई वर्ग रहेगा ना ही कोई राज्य रहेगा। जब वर्ग ही नहीं रहेगा तो वर्ग संघर्ष होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन माओ ऐसा नहीं मानता है। उसके अनुसार कि वर्ग संघर्ष जो है साम्यवादी व्यवस्था में भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप जो है वो बदल जाता है। साम्यवाद की स्थापना के बाद भी देश में अंतर विरोध चलते रहते हैं और एक अंतर विरोध जो है दूसरे नए अंतर विरोध को जन्म देता है। तो इस तरह से वर्ग से संघर्ष की अवधारणा मार्क्स की थी कि साम्यवादी व्यवस्था में समाप्त हो जाएगा। माओ मानते हैं कि यह वर्ग संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, इसका रूप बदलता रहेगा और ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये परिवर्तन जो है आपको दिखाई देता है माओ त्सेतुंग के विचारों में। क्रांति में श्रमिक वर्ग की भूमिका के क्षेत्र में मार्क्स और लेनिन दोनों यह मानते थे कि उनका विश्वास था कि क्रांति जो होगी वो श्रमिक वर्ग के द्वारा होगी, सर्वहारा वर्ग के द्वारा होगी, लेकिन चीन में जो क्रांति हुई वो श्रमिक वर्ग की उसमें भूमिका नहीं थी बल्कि उसमें कृषक वर्ग की भूमिका थी।
तो क्रांति में कृषक वर्ग की भूमिका का जो समर्थन किया वो माओ त्सेतुंग ने किया, जो कि मार्क्स के विचारों से हमको अलग दिखाई देती है। तो ये तीनों क्षेत्रों में माओ त्सेतुंग ने मार्क्स के विचारों में परिवर्तन किए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है, लेनिन, स्टालिन, माओ, गोरबाचेव। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जितने हैं उसमें जो है आप माओ को देखोगे, ये माओ जो है वो सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स 1966 ईस्वी में चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात जो है वो माओ त्सेतुंग ने किया। इस सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से माओ जो है वास्तव में साम्यवादी दल के श्रेष्ठता को एक तरह से उन्होंने चुनौती दी थी, और इसके माध्यम से उन्होंने दल के महत्व को कम करके जनता के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया था। इस प्रकार का प्रयास करने वाला जो था वो माओ वे वास्तव में प्रथम व्यक्ति था। तो ये सांस्कृतिक क्रांति का जो सूत्रपात किया गया था, सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से जो माओ के विचारों को जन जन तक पहुँचाया गया था, ये जो है वो माओ ने किया था। तो इस तरह से चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात और इस क्रांति के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य है वो माओ त्सेतुंग ने किया था। तो सांस्कृतिक क्रांति के लिए किसे जाना जाता है, माओ त्सेतुंग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है माओ त्सेतुंग की नहीं है, आर न्यू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, या इसी को डिक्टेटरशिप आप डेमोक्रेटिक पीपल्स भी कहते हैं, आन कंट्राडिक्शन। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डेमोक्रेसी इन अमेरिका फ्रेंड्स ये डी टॉकविल की पुस्तक है। इसको छोड़कर के जो तीनों पुस्तकें हैं, चाहे वो न्यू डेमोक्रेसी हो, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हो, या फिर आन कंट्राडिक्शन हो, ये तीनों की तीनों पुस्तकें जो है माओ त्सेतुंग की हैं। अब बी वाला पुस्तक जो है वो माओ त्सेतुंग की नहीं बल्कि डी टॉकविल की है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि अंतर विरोध या असंगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, लेनिन ने, मार्क्स ने, माओ त्सेतुंग ने, या हीगल ने। तो देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, माओ त्सेतुंग ने। तो फ्रेंड्स देखिए अंतर विरोध का सिद्धांत या इसी को असंगति का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है वो माओ त्सेतुंग का है, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, और या कहिए कि ये साम्यवादी दर्शन में माओ की एक बहुत ही अनुपम देन है। माओ मानता था कि प्रकृति और समाज की सभी वस्तुओं में जो है विरोधी तत्वों की एकता का नियम विद्यमान है, यानी कि प्रकृति में अनेक विरोधी तत्व हैं और यही जो है वो चिंतन का मूल नियम मानता है वो। उसने अपनी पुस्तक जो है वो आन कंट्राडिक्शन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो कहता था, उसका बहुत स्टेटमेंट है एक, कि चीन की पूंजीवादी जनक्रांति की प्रक्रिया में चीनी समाज के विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों और साम्राज्यवाद के बीच जो है वो एक तरह से असंगति है। साम्राज्यवाद और जनता के बड़े हिस्से के बीच असंगति है, यानी विरोध है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच विरोध है। शहरी मध्यम वर्ग और किसानों और पूंजीपतियों के बीच जो है विरोध है। तो इस तरह से वो मानता है कि असंगतियां जो है वो अनेक प्रकार की हैं, विरोध जो है वो अनेक प्रकार से हैं, और प्रत्येक प्रकार के विरोध को हल करना जो है वो साम्यवादियों का कार्य है। वो बार बार ये कहता था, उसका बहुत एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा इसको, शायद इसमें न दिया गया हो, वो बार बार कहता था कि संसार में सर्वत्र विरोध पाए जाते हैं, और अगर विरोध नहीं होते तो संसार भी नहीं होता। तो अंतर विरोध का सिद्धांत जो है, अंतर विरोध का मतलब है समाज में विभिन्न प्रकार के विरोधी तत्व तो पाए जाते हैं, और ये विरोध जो है हमेशा जो है चलते रहेंगे, इनके बीच हमेशा संघर्ष होता रहेगा। तो ये अंतर विरोध या असंगति का सिद्धांत जो है वो माओ त्सेतुंग ने दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि लेनिनवाद साम्राज्यवादी युग का मार्क्सवाद है, यह कथन किसका है, हर्सन का, स्टालिन का, लेनिन का, पार्किंसन का। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्टालिन। यह जो स्टेटमेंट दिया है फ्रेंड्स कि लेनिनवाद जो है वो साम्राज्यवादी युग का मार्क्सवाद है, यानी कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत था वो मार्क्स ने अपने समय में दिया था। रूस की परिस्थितियों तथा साम्राज्यवादी युग में लेनिन ने उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन किया। तो लेनिन के विचारों को ही हम लेनिनवाद कहते हैं। तो लेनिनवाद जो है वो साम्राज्यवादी युग का मार्क्सवाद है, ये स्टेटमेंट जो है वो स्टालिन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा दिया कि यह कथन किसका है कि माओवाद विकासशील तीसरी दुनिया के देशों के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद है, हर्सन ने, सेबाइन ने, स्टालिन ने, ग्रासमी ने। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, हर्सन ने।
स्टालिन ने क्या कहा था कि लेनिनवाद जो है वो साम्राज्यवादी युग का मार्क्सवाद है। तो हडसन ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कह दिया कि माओवाद जो है वो विकासशील तीसरी दुनिया के देशों के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद है। अब देखिए फ्रेंड, माओवाद का मतलब हुआ माओ के विचारों को हम माओवाद कह सकते हैं, मार्क्स की विचारधारा को उसके सिद्धांतों को हम मार्क्सवाद कहते हैं, लेनिन के सिद्धांतों को हम लेनिनवाद कहते हैं। तो यह हडसन ने कहा कि माओवाद जो है वो विकासशील तीसरी दुनिया के देशों के लिए मार्क्सवाद और लेनिनवाद है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड देखिएगा, थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, इसको समझ लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि लोक युद्ध या जन युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, लेनिन को, ग्राश्मी को, रूसो को या माओसोतुंग को। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, माओसोतुंग को। देखिए यह क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, हमको लगता है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो उसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी, माओसोतुंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, चीन में लाल सेना की स्थापना किसने की, सन यात सेन ने, माओसोतुंग ने, चांग काई सेक ने या हो ची मिन ने। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, माओसोतुंग ने। तो फ्रेंड देखिए चीन में 1966 ईस्वी में मैंने बताया था ऊपर कि माओसोतुंग ने जो है सांस्कृतिक क्रांति के नाम से कार्यक्रम चलाया था, जिसके अंतर्गत वो अपने विचारों का जो है प्रचार प्रसार कर रहा था। तो इसके अंतर्गत जो है माओ के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए उसने जो है 1966 ईस्वी में लाल रक्षकों की एक सेना बनाई थी, जिसको लाल सेना के नाम से हम जानते हैं। तो इसको किसने बनाया था, माओसोतुंग ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि माओसोतुंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, माओ ने समाजवादी क्रांति के लिए जिस सिद्धांत को विकसित किया उसे टुनटुन टाटा टाटा टुनटुन का सिद्धांत कहते हैं, माओ ने क्रांति का केंद्र गांव को बनाया, माओ ने श्रमिकों को क्रांति का अग्रदूत बनाया, माओ ने गुरुला युद्ध प्रणाली को अपनाया। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि इसमें से कौन सत्य नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, माओ ने श्रमिकों को क्रांति का अग्रदूत बनाया, यही जो है गलत है। माओ ने श्रमिकों को क्रांति का अग्रदूत नहीं बनाया, बल्कि उसने कृषकों को क्रांति का अग्रदूत बनाया। तो इसी को छोड़कर के बाकी तीनों जो है वो मार्क्स के बारे में सही हैं। कि माओ ने समाजवादी क्रांति के लिए जिस सिद्धांत को विकसित किया उसको टुनटुन टाटा टाटा टुनटुन का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका मानना था कि पहले विरोधी पर आक्रमण करके उसकी शक्ति को इतना कमजोर कर दीजिए कि वह टेबल पर बातचीत के लिए आ जाए, यानी बातचीत के लिए राजी हो जाए, और जब बातचीत हो तो कुछ दिनों तक संधि के समझौते पर इधर उधर की बातें करिए और उसके बाद एक उसके सामने ऐसी शर्त रख दीजिए जिसको कि वो स्वीकार ही ना कर पाए, और जब स्वीकार ना करे तो सब जगह जो है जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि वो तो हमारी शर्तों को मान, वो तो समझौते पर राजी ही नहीं है, वो तो बात को मान ही नहीं रहा है, और ऐसा आरोप लगा करके फिर उसके ऊपर आक्रमण कर दीजिए, और फिर उसके विभाग को जीत लीजिए, और फिर उसको वार्ता के टेबल पर लाइए, अब फिर उसके सामने ऐसी शर्त रखिए। तो ये प्रक्रिया उसने कहा कि तब तक चलाते रहिए जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। इसी को कहते हैं टुनटुन टाटा टाटा टुनटुन का सिद्धांत। तो ये माओ का अपना देन था। माओ ने क्रांति का केंद्र गांव को बनाया, ये सही है। माओ ने पहले जो है गांव को विजित करने का प्रयास किया, जिस गांव को उसने जीत लिया वहां पर उसने जो है समाजवादी एक तरह से शासन व्यवस्था की स्थापना की, समाजवाद का कार्यक्रम वहां गांव में चलाया, भूमि सुधार की, कृषकों को विश्वास प्राप्त किया, कृषकों को लगने लगा कि हाँ ये जो है वो जो है वास्तव में समाजवादी जो विचारधारा है ये हमारे हितों की रक्षा कर रही है। तो इस तरह से कृषकों को साथ लेकर के उसने जो है उस गाँव के लोगों को विश्वास को जीता, उनको जो है सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया, उनको लेकर के दूसरे गांव को, दूसरे गांव को लेकर तीसरे गांव को, इस तरह से गांव को जीतते हुए उसने शहरों को जीता। तो माओ ने क्रांति का केंद्र जो है गांव को बनाया, माओ जो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। ये देखिए गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है, उसका मानना था कि जब कोई ताकतवर सेना के साथ हमारा मुकाबला हो, हम कमजोर हों, तो ऐसे में हम गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ताकतवर सेना को हरा सकते हैं। गुरिल्ला युद्ध का मतलब एकाएक आकर के आक्रमण कर देना और फिर बाद में जो है भाग जाना, छिप जाना। तो इस तरह की प्रणाली को अपना करके वह जो है चीन में साम्यवादी इस सरकार की स्थापना, साम्यवादी शासन की स्थापना करने में सफल रहा। तो ये तीनों जो है कथन जो है वो माओ से संबंधित हैं, तीसरा वाला सी वाला जो है वो माओ से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि जनपुंज की नीति में किसका आगाध विश्वास था, लेनिन का, मार्क्स का, माओसोतुंग का या सन यात-सेन का। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, माओसोतुंग का। जनपुंज की नीति में जो है माओसोतुंग का जो है वो अगाध विश्वास था, बहुत दृढ़ विश्वास था, इसीलिए वो अपने विचारों में जो है जनता को बहुत महत्व देता है, और एक तरह से सांस्कृतिक क्रांति जब उसका पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो साम्यवादी दल को भी जनता के अधीन कर देता है।
अपने इसी विश्वास के कारण जो है उसने किसानों का समर्थन प्राप्त किया, और उन्हीं के समर्थन के माध्यम से जो है वो जो है साम्यवादी क्रांति को जो है चीन में सफल करने में सफल होता है। इस तरह से चाहे लोकयुद्ध की संकल्पना को देखिए, चाहे साम्यवादी क्रांति को देखिए, वो सब स्पष्ट करते हैं कि जनपुंज की नीति में यानी जनता की शक्ति की नीति में जो है उसका कितना बड़ा विश्वास था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी माओ सुतुंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, कौन सा माओ के दर्शन से संबंधित नहीं है? असंगति का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, नवीन लोकतंत्र, जनयुद्ध की सिद्धांत। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे, बी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। असंगति या अंतर विरोध का सिद्धांत ये माओ का है। नवीन लोकतंत्र का सिद्धांत, जनयुद्ध का सिद्धांत ये सब माओ का है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद ये मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, यह कथन किसका है कि राजनीति रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं है, जबकि युद्ध रक्त रंजित राजनीति है? हीगल, चांग काईसेक, माओसोतुंग, मुसोली। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी माओसोतुंग। माओसोतुंग का मानना है फ्रेंड्स कि राजनीति जो है एक तरह से एक युद्ध है, बस इसमें यह होता है कि रक्त नहीं बहता है और जबकि युद्ध में रक्त बहता है। तो उसी बात को उसने लिखा है कि राजनीति जो है वो रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं है, जबकि युद्ध जो है वो रक्त रंजित राजनीति है। तो ये कथन बहुत फेमस है, किसका है? माओ सुतुंग का है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या होगी? प्रक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, महत्वहीन होगी या महत्वपूर्ण होगी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे, माओ जो है वो क्रांति में कृषकों की भूमिका को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि न्यू डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? मार्क्स का, राल्स का, माओ का, लेनिन का? तो फ्रेंड देखिए आप समझ ही गए होंगे, ऊपर भी चर्चा हो गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा सी माओ। न्यू डेमोक्रेसी, आन कंट्राडिक्शन, ये सब माओ सुतुंग की बहुत फेमस किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि माओ सुतुंग ने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए कई योजनाएं चलाई, निम्न में से कौन सी योजना उसमें सम्मिलित नहीं है? सैकड़ों फूल खिलने की योजना, लंबी छलांग का आंदोलन, अश्वेत शक्ति का आंदोलन, सांस्कृतिक क्रांति। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी अश्वेत शक्ति का आंदोलन। तो फ्रेंड्स अश्वेत शक्ति का आंदोलन जो है ये अमेरिका में चलाया गया था, वो चलाया गया था अश्वेतों के द्वारा, वहाँ जो काले लोग रहते थे या फिर अमेरिकी लोग रहते थे उनके द्वारा जो है उनके साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में चलाया गया था। तो इसका चीन से कोई संबंध नहीं है। सैकड़ों फूल खिलने दो योजना जो है ये माओ सुतुंग की थी, जिसके अंतर्गत जो है उनका मानना था कि अनेक विचारों को मुक्त रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लंबी छलांग की योजना, जिसमें उसने इस योजना के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा कि औद्योगिक उत्पादन को जो है एक वर्ष में 100% वृद्धि की जाए। सांस्कृतिक क्रांति, आपको बताया दिया गया कि 1966 में सांस्कृतिक क्रांति जो है जिसके माध्यम से माओ के विचारों को या कहिए कि साम्यवादी विचारों को जो है वो व्यापक रूप से जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया और साम्यवादी दल को जो है जनता के अधीन लाया गया, ये सांस्कृतिक क्रांति के अंतर्गत हुआ था। तो ये सारी योजनाएं जो है माओ सुतुंग ने चलाई थी, केवल स्वेत अश्वेत शक्ति के आंदोलन से उसका संबंध नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का सी अश्वेत शक्ति आंदोलन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों की विद्रोह एवं दमन का परिणाम होता है। यह कथन किस विचारक का है? बेंथम का, माओ सुतुंग का, ग्रीन का, लेनिन का? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी माओ सुतुंग। माओ सुतुंग का ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिएगा कि क्रांति जो है वो बहुत आसान नहीं है कि खाने की दावत गए और या निबंध लिख दिए आसानी से गए मौज उड़ा के चले आए। ये कहा उसका मानना है कि सैकड़ों वर्षों के विद्रोह और दमन का परिणाम होता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? माओ सुतुंग का है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ सुतुंग का नहीं है, यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है माओ सुतुंग का नहीं है। हिंसात्मक संघर्ष के बिना किसानों और मजदूरों को सत्ता में कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो ये माओ सुतुंग का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि वो मानता था कि बिना संघर्ष के आप ये समझिए कि मजदूर जो है अपना स्थान जो है समाज में पा पाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो वही बात को उसने लिखा है, आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। माओ सुतुंग जो है महिला की स्वतंत्रता का भी बहुत बड़ा समर्थक था, उसका मानना था कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है, स्टेटमेंट उसका, यानी कि समाज में आधी भागीदारी महिलाओं की है।
तो इस तरह से महिला स्वतंत्रता का वो बहुत बड़ा समर्थक था। तो ये स्टेटमेंट भी उसका है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ये देखिए यही गलत है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ यह स्टेटमेंट जो है वो कार्ल मार्क्स का है, उसका बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। तो ये सी जो है ये मार्क्स का स्टेटमेंट है न कि माओ का, तो यही गलत होगा। और डी है लोगों के लिए लोकतंत्र होता है लेकिन प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायक तंत्र होता है। तो जो नवीन लोकतंत्र की संकल्पना उसने दी थी उसमें जो पूंजीपतियों को स्थान दिया था, उसने कहा था कि पूंजीपति अगर जब तक शांत रहेंगे, समाजवाद का विरोध नहीं करेंगे तब तो ठीक है, उनके लिए लोकतंत्र है, लेकिन अगर वो समाजवाद का विरोध करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें प्रतिक्रियावादी कहकर कुचल दिया जाएगा, यानी उनके ऊपर अधिनायकवाद लागू किया जाएगा। तो लोगों के लिए वो लोकतंत्र होगा लेकिन प्रतिक्रियावादियों के लिए क्या होगा, अधिनायकत्व होगा। यह स्टेटमेंट भी किसका है, माओ सुतुंग का है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी ही गलत है, बाकी तीनों सही है। तो हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि माओ सुतुंग के सांस्कृतिक क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से माओ ने दल के महत्व को कम करने और जनता के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। एकदम सही है फ्रेंड्स, अभी मैंने इसी पर चर्चा किया कि इस क्रांति के माध्यम से माओ ने समाजवादी दल को एक तरह से जनता के अधीन ले आया। बी है कि माओ ने अपने विचारों को प्रचार के लिए 1966 में लाल रक्षकों के नाम से युवकों का एक संगठन गठन किया। ये भी अभी चर्चा हो गई थी, 1966 में लाल सेना जो गठन किया था लाल रक्षकों के नाम से, वो जो है माओ ने किया था, ये भी सही है। सी है कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति केवल संस्कृत तक सीमित नहीं रही, उसे शिक्षा और आर्थिक विकास से भी जोड़ा गया, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, माओ सुतुंग की मृत्यु कब हुई, 1976 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1976 ईस्वी में। माओ सुतुंग की मृत्यु जो है फ्रेंड्स 1976 ईस्वी में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में उनको बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।